हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड वाला। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे। तो जैसे हम लोग अपना वीएस एडिटर यूज़ करेंगे, तो पहले हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे, इंटीजर वैल्यू असाइन कर लेंगे। तो ए इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू असाइन कर लेंगे यूज़र डिफाइंड जो कि हमारा फंक्शन है। आफ्टर डैट फ्रेंड्स, हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं सपोज फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो नाउ फ्रेंड्स, हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी ए की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी हो। इसका क्या इफेक्ट होगा हम लोग प्रोग्राम रन कराते समय जानेंगे। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर हम लोग एक लूप चला लेंगे, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 1 to a+1, जिसमें हमारी i की वैल्यू 1 से लेके a+1 तक रन करेगी। हम इसको एक 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हमारा लूप हो गया, और इसके बाद हम फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए फैक्टोरियल में फैक्टोरियल इंटू आइन असाइन करेंगे। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। देख लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वैल्यू असाइन हो गई जो कि हमारी प्रिंट होगी फैक्टोरियल इज इक्वल फैक्ट। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम एक और ये प्रिंट करवा लेंगे अपना फैक्टोरियल। तो नाउ प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दिए द फैक्टोरियल ऑफ ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल, और एक इफ कंडीशन अगर हमारा ट्रू रहेगा तो ये प्रिंट होते रहेगा फैक्टोरियल। अगर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स होगा, सपोज हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हम एक अलग कंडीशन ले लेंगे जिसका नाम रहेगा एल्स। तो एल्स में हम लोग देखिए क्या करते हैं। एल्स तक इसलिए हम ले रहे हैं, अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर है तो वो प्रिंट कर दे, प्लीज़ चूज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग चूज़ कर ले रहे हैं एक पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमारी वैल्यू अगर नेगेटिव रहे तो ये यहाँ पे हमारे प्रिंट हो जाए, प्लीज़ चूज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, इसे हम सेव कर लेते हैं और इसे हम रन कराते हैं। फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया। तो हम पहली वैल्यू 5 इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए द फैक्टोरियल ऑफ ए इज इक्वल टू 120। अगेन हम लोग एक वैल्यू फिर रन कराते हैं, और नाउ सपोज हम लोग इस बार वैल्यू लेते हैं 4, तो द आंसर इज 24। अब फ्रेंड्स, हम लोग आप लोग जानते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू 0 लेते हैं। देखिए द फैक्टोरियल ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नाउ फ्रेंड्स, हम जैसे बोल लेते हैं जैसे नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू फैक्टोरियल नहीं होता है, तो इसलिए हमारा अब नेगेटिव वैल्यू मान सपोज -3 ले लिए, तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया चूज अ पॉजिटिव नंबर। फ्रेंड्स, फैक्टोरियल जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव तक रहता है, नेगेटिव नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।